हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। हम आज सीखेंगे कि इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का कैसे किया जाता है या किसी भी फंक्शन को किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। और इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स के अंदर कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में भी हम आज सीखेंगे। ठीक है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा था और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन का यूज किस तरीके से होगा और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब आज का लेक्चर हमारा बेसिक इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए। देखिए, मैथमेटिकली फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। जैसे नॉर्मली एक चीज़ आप समझिए, जैसे हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में जैसे हमें दे दिया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट को हमें वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते थे। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी को अपन डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन मिल जाता है। उसी तरीके से एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दें, तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेस मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब आप लिखिए, एक पॉइंट है, लिखिए इट इज़ द, हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हेडिंग लिख लीजिए इंटीग्रेशन। इसमें आप नीचे एक एरो लगा के लिखिए, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब समझिए। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे हमें दे दिया है एक फंक्शन और वो है फंक्शन y इक्वल्स टू fx। ठीक है, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखते कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है एक नाग, सांप। क्या होता है? सांप। और सांप ही होता है इंटीग्रेशन का साइन। तो अपन ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। अब समझिए यहाँ पे कि हम अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखने का तरीका क्या होता है? तो आप जैसे हम बताएं उसी तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे y dx = f(x, dx). ठीक है, इस तरीके से। अब आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अब हमें एक नया फंक्शन मिलता है या नई वैल्यू मिलती है। लेकिन उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अभी हम देखेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और उसको इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखने का तरीका ये होता है। तो पहले आप इसे कॉपी करिए। चलिए, अगर कॉपी हो गया तो अब समझिए बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला किस तरीके से, बेसिक फॉर्मूला का यूज किस तरीके से होता है, अब हमें ये चीज सीखना है।
ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू x की पावर n। यहाँ पे आप समझिएगा, x जो है वो एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और n यहाँ पे कांस्टेंट है। n क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे y dx, और ये हमें पहले ही पता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है x की पावर n और ये होगा dx, हो गया। अब देखिए, इस साइड को आप ऐसे छोड़ दीजिए। अब इधर आते हैं, देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x की पावर जो n है इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, फिर अपॉन में यही नंबर हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और एक और ये हम लिख देते हैं अपने तरफ से c, और यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। बस आप ये समझिए कि c जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में, एक c जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं हम बाद में इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। बस आप समझिए कि कभी भी कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन को अपन जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में प्लस सी कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, जैसे अपन एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, ठीक है, बोल रहा है कि इसे इंटीग्रेट करिए। तो हम लिखेंगे वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 डी एक्स, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। इस फंक्शन को जैसा वैसा रहने दीजिए। यहाँ देखिए, एक्स की पावर 5 प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1, तो यहाँ पे भी n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अपॉन में नीचे भी आ जाएगा 5 प्लस 1, और ये कर देंगे प्लस c, तो ये आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई फंक्शन हो, इस तरीके का फंक्शन हो, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। आप इसे अच्छे से रट्टा मार लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आ जाता है इस तरीके का फंक्शन, तो हम इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। खैर, आपको ये तो समझ में आ ही गया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन यहाँ पे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया है y इक्वल्स टू रूट एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। फिर थर्ड हमारा दिया है y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। फिर फोर्थ है हमारा y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इतना ये टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम चारों क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए, y इक्वल्स टू x की पावर 4 था, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे y डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 4 डी एक्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, x इक्वल्स टू क्या 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 होगा, और प्लस ये c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5 अपॉन 5। आप डायरेक्टली भी इसे याद करते चलिए, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा, देखिए रूट एक्स को अपन रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1 बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे y dx इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2 dx, और ये हमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये है x की पावर 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू क्या 3/2 आएगा, जल्दी से देख लीजिए, बिल्कुल आएगा। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c, इसे हम लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 + c, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, चलिए आप जल्दी से ट्राई करिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन और उसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन को, लिखा गया है y इज इक्वल टू 1/√x, ये लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/√x को हम लिख सकते हैं 1/x^2, और इसे फिर हम लिख सकते हैं x^-1/2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो x^-1/2 हो जाएगा, ये बात समझना गई। अब समझिएगा, यानी कि हम y^1/√x को लिख सकते हैं x^-1/2। अब हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे y dx इज इक्वल्स टू x^-1/2 dx, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x^-1/2 + 1 - 1/2 + 1 + c, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से हम -1/2 में जब 1 जोड़ते हैं तो देखिए -1/2 + 1 = 1/2 होता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा तो x^ आ जाएगा 1/2 अपॉन, ये भी 1/2 होगा तो ये भी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस सी रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2x^1/2, क्योंकि ये 2 तो ऊपर आ जाएगा ना, तो फिर ये आ जाएगा 2x^1/2 + c, यही होगा हमारा आंसर, बात समझ में आ गई। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के बारे में कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। अब समझिएगा, ये दिया है y = 1/x^3, तो 1/x^3 को हम लिख सकते हैं x^-3, ये लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे y = x^-3, ये लिखेंगे। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करना है तो y dx = x^-3 dx, ये होगा, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। तो जब करेंगे तो ये x^-3 क्या +1 जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, तो +1 upon -3 + 1 + c, ये होगा। इसे अगेन हम सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 तो x^-2 आ जाएगा अपॉन, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ये आ जाएगा +c, यानी कि इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं -x^-2/2, ये लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन कि माइनस, अब ये 1/, अब ये माइनस से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x^2 + c, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमने बेसिक फॉर्मूले से बेसिक क्वेश्चंस किए और हम केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ किए हैं x^n, तो x^n पे बेस्ड इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई ना। चलिए अब इसके आगे की हम बात करते हैं, तब तक आप कॉपी करिए। कुछ और भी क्वेश्चन है अब हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आपको वही मेथड वही तरीके आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये चैप्टर बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको आ गया मतलब आपको फिजिक्स सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये है y इज इक्वल्स टू
ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अच्छा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हम लिखेंगे y डी एक्स, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किए हम, ए एक्स प्लस बी होल की पावर n डी एक्स, दोनों तरफ हम कर दिए इंटीग्रेट। अब देखिए ये है, इसको आप सिंपली x मान लीजिए, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए x का जो कोफिशियंट रहेगा वो नीचे आ जाता है, डायरेक्टली नीचे आ जाता है, मतलब x का कोफिशियंट क्या है a, तो इनटू कर देंगे a प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। या इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं वन, या फिर आप ऐसे कर लीजिए ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन प्लस सी, यही होगा हमारा आंसर। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर ए एक्स की पावर टू है, या फिर आप देख लिए कि ए एक्स की पावर मान लीजिए टू है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट आ जाता है बाहर क्योंकि ये अकेले है, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम कर देंगे इंटीग्रेट तो ये बनेगा ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ये आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये x की पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसे आप जब भी करना होगा तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा x का कोफिशियंट जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब x का कोफिशियंट होगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये भी आ गया समझ में, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और उठा लेते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a और b कांस्टेंट था, ठीक है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री होल की पावर फाइव, इसको इंटीग्रेट करना है तो y डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री होल की पावर फाइव डी एक्स, ये हो गया। अब हम करेंगे इसे इंटीग्रेट, तो देखिए यहाँ पे ये x की तरह आप ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ये तो समझ में आ गया ना कि इसे हमें x की तरह ट्रीट करना है, तो 2x प्लस थ्री होल की पावर क्या 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, ये आ जाएगा इन टू। अब देखिए x का कोफिशियंट कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे तो 2x प्लस थ्री होल की पावर 5 प्लस वन कितना आ जाएगा 6 अपॉन, ये आ जाएगा 5 वन 6 और 6 टू जा 12 प्लस सी, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो समझ में तो आ गया ना कि अगर इस तरीके का फंक्शन है तो इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन क्या, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन देखेंगे, तो इसके बाद हम ये देखने वाले हैं। तो इसके पहले देखिए एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, हालांकि इसको आपको याद रखना है, ठीक है, मेमोराइज, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसके पहले हेडिंग लिख लीजिए, लिखिए सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। अब चलिए इसमें सबसे पहले हम एक फंक्शन की बात करते हैं, ये है वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5 ये नहीं है, यहाँ पे है x की पावर 1, यानी कि नीचे है x की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होता है log x बेस e
प्लस सी, यही होगा इसका फॉर्मूला। यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स बेस ई होगा। रीजन ये है कि हमने कल देखा था कि लॉग एक्स बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है 1 अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये होना चाहिए। मतलब कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, मतलब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 अपॉन एक्स को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो लॉग एक्स बेस ई आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, यानी e की पावर x dx, यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है e की पावर x, यही होगा हमारा फॉर्मूला। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और हमने देखा था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें देखिए, फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं साइन एक्स को। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होगा। आप ये क्या याद रखेंगे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। इसे आप स्टार बना लीजिए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, हमें दे दिया है कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, ये होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूले की बात करें, अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए थर्ड में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी, ये भी आप याद रखेंगे। फोर्थ की बात कर रहे हैं तो दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए सेक एक्स टेन एक्स है, sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है sec x प्लस सी, ठीक है। sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। उसी तरीके से ध्यान दीजिए, हमने जब डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। इसका मतलब ये है कि जब अपन देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, मतलब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो sec x आना चाहिए, और यही आता भी है, ठीक है। जब आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, जब इंटीग्रेशन आप कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन आता है, इसको डेराइव करके आपको बताया जाएगा कि यही क्यों आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमें याद रखना है, याद क्या रखना है कि इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। उसी तरीके से अपन बात करने जा रहे हैं, एक होता है cosec x cot x, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए जो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी करिए। हो गया। चलिए अब हम फिर से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप 2 मिनट के लिए इसको रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारवा देते हैं। चलिए देखिए
हम देखते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रहेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से हो जाएगा। तो आपको देखिए याद रखने ही होंगे, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिखते हैं, आप देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे को दिया गया है कि 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि cos ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि e^ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन अपने को दिया गया है यहाँ पे और ये क्वेश्चन है 4x³ + 3x² - 2x + 3 इसका इंटीग्रेशन करना हमें है। ठीक है, उसी तरीके से फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन अपने को दिया गया है, ये है 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। और इसी तरीके से हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन है x³ + x² - 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी करिए, कॉपी करके देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो गया, ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, बहुत लंबा नहीं है, ये छोटा ही सॉल्यूशन इसका है। तो देखिए जैसे दिया गया है अपने को 1/ax + b dx, तो ध्यान रखिए कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x / e, ये होता है। तो देखिए x के प्लेस पे यहाँ पे दिया गया है ax + b, x के प्लेस पे है ax + b, तो आप जैसे इसका इंटीग्रेशन हमने देखा था उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं log ax + b और यहाँ पे बेस e आ जाएगा अपॉन में, अपॉन में देखिए x का कोफिशियंट है a, तो आ जाएगा नीचे a + c और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1/ax + b का इंटीग्रेशन 1/x की तरह ही होगा, x के प्लेस पे हम क्या ले ले रहे हैं, x के प्लेस पे हम ले ले रहे हैं ax + b, तो यहाँ पे जैसे x है तो यहाँ पे आ जाएगा ax + b और a का x का कोफिशियंट x है इसीलिए a नीचे आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ होता है, अभी आपको कोई और चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली समझना होगा कि ये होता है तो होता है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है cos ax + b dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन हमने अभी देखा था कि प्लस sin x होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin x के प्लेस पे ax + b, तो ax + b ये आ जाएगा अपॉन में, x का कोफिशियंट a है तो नीचे आ जाएगा a + c, ये आंसर है। ध्यान रखिएगा a, b, a और ये c, मतलब a, b कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी बस आप ये समझिए कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है।
ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है कि e की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये दिया गया है। तो अब देखिए e की पावर x की तरह ही इसे ट्रीट करिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो आप उसको वैसे ही समझिए। तो e की पावर ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन, अब एक x का कोफिशियंट a है इसीलिए a आ जाएगा नीचे, प्लस c, यही होगा हमारा आंसर। ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं अपन, थर्ड भी हो गया, फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ देखिए यहाँ पे दिया गया है 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3, ये दिया गया है dx। अच्छा देखिए, इस तरीके का कभी फंक्शन आ जाए तो हम इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग इंटीग्रेट करके भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे इसको हम 4x³ dx प्लस 3x² dx माइनस 2x dx ये, फिर प्लस 3dx ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से वो किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये भी। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, तो जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर, तो 4 आ जाएगा बाहर। अब ध्यान रखिए x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये होता है, प्लस 3 कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा, माइनस 2 दिया है, ये x की पावर 1 है तो हम लिखेंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसके लिए देखिए ये लिखा है 3dx, अब इसको इंटीग्रेट करना हमें, तो 3 के आगे कुछ तो है नहीं, लेकिन 3 के आगे जब कुछ नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं कि 3x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम 3 × 1 भी तो लिख सकते हैं, 3 × 3 तो यही है, तो x के प्ले 1 के प्लेस पे x की पावर 0 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 3 कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ये होगा, मतलब ये आ जाएगा 3x की पावर 1 अपॉन 1, यानी ये आ जाएगा 3x। तो देखिए कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वही उसके साथ उस कांस्टेंट के साथ आ जाता है, ठीक है, यानी कि 3 का इंटीग्रेशन जो होगा वो 3x के बराबर होगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 + 1 = 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 + 1 = 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 + 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 3x और लास्ट में प्लस c कर देते हैं और यही हमारा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम जो भी होगी वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है क्योंकि हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है, हम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो देखिए ये दिया गया है 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब ये कि 2x dx प्लस 1 × dx इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये आ गया, प्लस c कर देंगे 1 + 1 = 2, अच्छा रुकिए ये भी आगे है, तो इसे देखिए ये आपका 1 था तो हमने देखा था
कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसके आगे बस आ जाएगा x, अगर जिसके रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं वही आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा x और आगे जोड़ देंगे c, ठीक है। टू टू से टू कैंसिल, x की पावर 2 प्लस x प्लस c, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी तक हम बेसिक इंटीग्रेशन सीख रहे थे, आप सभी लोग अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, मतलब आपको इंटीग्रेशन आ गया, जब आपको इंटीग्रेशन आ गया तो कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम देख लेंगे तो उसके बाद एरिया के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनिट हमें दो पोर्शन और पढ़ने हैं, एक पोर्शन हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट होता है, एक और हमें पढ़ना होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसके बाद हमें एरिया पढ़ना होता है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जब अपन पढ़ लेते हैं तो एरिया पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया तीनों समझिए एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, डेली बाय डेली आप लोग पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।